पाटन प्रखंड के पाटन अंचल कार्यालय में एक बार फिर बिचौलिया गिरी चरम पर है। पश्चिमी जिला परिषद जयशंकर सिंह उर्फ संग्राम सिंह के द्वारा अंचला अधिकारी लाल बाबू के आम ग्रामीणों को परेशान नहीं करने के लिए अपील की जा रही है, लेकिन प्रखंड अंचल कार्यालय में लगातार बिचौलिया गिरी बढ़ती जा रही है। संग्राम सिंह के द्वारा प्रेस को संबोधित कर जानकारी देते हुए बताया गया कि पलामू उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार प्रखंड कार्यालय में बिचौलिया गिरी चल रही है और कार्यालय भ्रष्टाचार में डूबा है। लगातार भैया देखने को मिल रहा है कि अंचल कार्यालय में काम नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज आप? हम भी लगातार आ रहा है और लगातार जो है ना उपायुक्त पलामू को ज्ञापन दे रहा है। क्या क्या परेशानी है आखिर? परेशानी यहाँ के यही है कि पब्लिक लोग आ रहा है, सीओ साहब से मिल रहे हैं, भीड़ लगा रहा है, जो दे रहे हैं सुख पा रहा है और जो नहीं दे रहे हैं सो नहीं पा रहा है। क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं अपना। हाँ, तो भ्रष्टाचार चरम पे चला हुआ है, वायरल भी हुआ था, वीडियो वायरल भी हुआ था, आज भी जैसे पेपर कटिंग भी है। क्या कारण है कि सीओ साहब नहीं? सीओ साहब सुनते हैं सबका है, जो करेंगे उन्हीं का सुनेंगे। सीओ साहब यही कर रहे हैं कि जमीन आपका है, मोटर कर देंगे किसी और के नाम से, जीएम लैंड जो सो हमको अब क्या बोलेंगे और कहाँ जाए हम लोग समझ नहीं आ पा रहा है। अपन लोग प्रतिनिधि किनके पास जाए? उपायुक्त पलामू को भी दिए, वो भी लिख दिए सरकार को, सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है सो हो गया 6 माह गए हुए हो गया इनका रिपोर्ट इनको हटाने के लिए। लापरवाही सरकार के चलते लापरवाही हो रहा है, सब बहुत गलत हो रहा है। हमारे उपायुक्त पलामू भी लिख चुके हैं इनके बारे में, इनके खिलाफ, और आपके कमिश्नर भी लिख चुके हैं इनके खिलाफ, लेकिन फिर भी अभी तक इनका दिमाग जिस होश में नहीं आया है। ये कर क्या रहा है? हमको लगता है कि 150 एकड़ से ऊपर जमीन का ये बंदोबस्ती किए हैं और बैठ करके डाल्टी में बंदोबस्ती करते हैं कागज पे, जमीन किसी और का, कब्जा किसी और का, सिर्फ ऑनलाइन रसीद काट देते हैं और दूसरा जो लोग वो करता है। अब तो घर घर गृह युद्ध होने जा रहा है। ये जब तक यहाँ रहेंगे, जब तक पाटन में है, दोनों को बैलेंस रखे हुए हैं, जहाँ से पाटन जाएंगे तो गृह युद्ध होने जा रहा है पाटन में, पूरे पाटन में ये स्थिति है पाटन अंचल का। और पाटन अंचल अधिकारी और कर्मचारी का क्या बोला जाएगा आगे, ये क्या रणनीति रहेगा? अगर ये रणनीति देख लेते हैं, उपायुक्त से कल मिल करके फिर बात करेंगे इस पे क्या बोल रहा है। इनके पहले अभी कुछ दिन के लिए ये आए थे प्रोफेशनल आईएएस श्रीकांत विस्फोटी जी आए थे, जब तक वो यहाँ रहे तब तक बहुत शांति, जब भी हम आए बहुत शांति माहौल रहा, लेकिन यहाँ जाने के बाद देखिए पुनः दलाली हावी है। हम तो सुनते हैं कि जिनको काम करना है, अगर 50 लाख जमीन है तो 10-20-50 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये लेकर के लोग जो दलाल कुछ लेता है कुछ देता है, वो लोग काम कर रहा है। बिल्कुल जो सो बोले कि करीब 150 एकड़ जमीन जो है ना बंदोबस्ती हुआ है, 150 एकड़ जमीन दलाली कर रहे हैं, क्या जानकारी होगा? यह तो सब जितने लोग सभी ज्ञात है किन लोग दलाली कर रहे हैं, कुछ लोग रिटायर कर चुके हैं वो भी ला के बैठ रहे हैं, कुछ लोग कहीं से आते हैं कुछ लोग कहीं से आते हैं, जानकारी वही लोग को ज्यादा है कि पेपर के बारे में। क्या जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं क्या? अब तो हम नाम किसी को नहीं बताएंगे, हमको तो दिख रहा है सब कुछ, नाम नहीं बताएंगे कौन कौन कर रहा नहीं कर रहा। दिन भर जनप्रतिनिधि का ये काम नहीं है कि ब्लॉक और अंचल मिलाकर दिन दिन में बैठे रहना, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास मिलाकर बैठे रहना या फिर अंचल अधिकारी के पास मिलाकर बैठे रहना। कार्रवाई जो सो पब्लिक है सुन रहे हैं सब जानते हैं, सब लोग दिखा देंगे क्या कार्रवाई करेंगे लोग। प्रतिनिधि काम नहीं है कि लाकर के दिन भर ऑफिसर के बगल में बिल्ला के बैठना। अरे कभी कभार आया काम किए अपना बताया हुआ है, बहुत दुर्दशा है पाटन का और बताया तो गृह युद्ध होने जा रहा है पाटन में जमीन के लिए, जमीन किन्हीं और का, रसीद किन्हीं और का, ये सब सुधरें और सुधारें। और नहीं तो इस पर तो हम लोग रणनीति बनाएंगे, अब क्या आगे होगा बनाएंगे। अब सरकार में भी जाकर लिख के देने जा रहा है, अभी तुम लिखित दिए हैं कि आपके द्वारा कितना जो सब अभी तक बंदोबस्त किया गया जमीन का, हमको ब्यौरा उपलब्ध कराएं, लिख के भी दिए हैं। और एक सप्ताह के बाद फिर अब आ रहे हैं तो पूछते हम इस पूछते हैं कि इसका क्या हुआ। लगातार प्रखंड कार्यालय में आपके द्वारा कार्य नहीं करने के लेकर आरोप लगाया जा रहा है, क्या इसमें कार्य तो डेली कर रहे हैं हम, बताया जा रहा है कुछ जनप्रतिनिधि लोग कल भी परसों भी लगातार गलत बात है, पेपर छपाया जा रहा है, पेपर तो लोग मांगते हैं चंदा, तो चंदा हम कहाँ से दें? उन लोग के द्वारा क्या कहा जाता है आपको? वही दीजिए हमको, पैसा दीजिए तब जनप्रतिनिधियों के द्वारा कहा जाता है। और सर किसी तरह से मतलब यहाँ पे प्रखंड कार्यालय में काम हमेशा होता है, यहाँ पे डेली हो रहा है, डेली काम क्या पे दबाव डाला जाता है सर? सब कुछ काम कराने के लिए यहाँ पे दबाव डाला जाता है, गलत सलत कराने के लिए अभी लाए थे, कई को लौटाए हैं, कर्मचारी का रिपोर्ट नहीं है तो ही नहीं है, कैसे बिना कर्मचारी के रिपोर्ट के सीआई कर दें? सर ऐसा भी आरोप है आपके कि किसी का जमीन किसी और को हो जा रहा है? नहीं ना, गलत बात है,
वैसा किसी का नहीं हुआ है। सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि आप कुछ पैसा वैसा भी देते हैं क्या? नहीं ना, गलत बात है, 100%। रामाशीष कुमार की पाटन से रिपोर्ट।